ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणे, मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातस्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम में हमें एक कार्य का स्मरण में आ रही है जो आगम में पढ़ने को मिलती है, बहुत प्रासंगिक है। अत्यंत प्रासंगिक होने के कारण उसको यहाँ पर प्रस्तुत करना बहुत उपयुक्त समझता। वह कारिका है, सतां विज्ञात तत्वानां, सतां विज्ञात तत्वानां सत्यशीलावलंबिनां चरणस्पर्श मात्रेन विशुद्यति धरातलम्। यह धरती पवित्र हो रही है किसके स्पर्श से? सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से। वे सत्पुरुष कैसे होते हैं? विज्ञात तत्वानाम ऐसा एक विशेषण दिया है शिवचंद्र आचार्य ने। वे सत्पुरुष कैसे होते हैं? जिन्होंने तत्व को जान लिया है। तत्व का अर्थ होता है पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में ज्ञान जनों ने कर लिया है। सत्यशीलावलंबिना पदार्थ को मात्र जानना पर्याप्त नहीं, किंतु जनों ने सत्य और शील का अवलंबन लिया है ऐसे सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से विशुद्यति धरातलम। ऐसा यह धरातल पवित्रता का अनुभव कर रही है। और इस कार्य का कोई इसके इसलिए आपके सामने रखा, प्रभु का दर्शन साक्षात न हमने किया है न आप लोगों ने किया है, किंतु प्रभु का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले जो सत्पुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके माध्यम से ही प्रभु का साक्षात्कार अथवा स्वरूप का अवलोकन हमें हो सकता है। गुरुदेव आपके सामने उपस्थित नहीं है व्यवहार की दृष्टि से, बिल्कुल ठीक है, किंतु उन्होंने पूरे समूचे विश्व के लिए जो प्रकाश दिया है वह प्रकाश मैं समझता हूं न भूदो न भविष्यति। और इस प्रकार का प्रकाश वही दे सकता है जिसने सत्य और शील का अवलंबन लिया है। बहुत कठिन है शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र की व्याख्या करना बहुत मिल सकते हैं दुनिया में, किंतु सत्य और शील का अवलंबन करना खेल नहीं है बंधु। गुणभद्र स्वामी ने भी
कारिका दी है, उसका अनुवाद भी गुरुदेव ने किया है। जिस समय उस अनुवाद को हमने पढ़ा, हमारी आंखें और खुल गई। गुणभद्र स्वामी ने प्रसंग दिया है, मूल तो संस्कृत में है और उसका अनुवाद बहुत ही साहित्यिक शब्दों में, छंद में मूलकार के भाव को प्रस्तुत किया है हिंदी भाषा में। उनका कहना है आचार्य महाराज का, गुरुदेव ने अनुवाद किया, हम कर क्या सकते हैं, हम पढ़ भी नहीं सकेंगे, ये ध्यान रखो, लिखना तो बहुत दूर की बात। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, फिर से दोहरा रहा हूं, उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुणते थे। गुणने वालों की संख्या बहुत दुर्लभ है विगत काल में भी। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुणते थे। धर्म सुनाता कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले, ऐसा कहा। हम भी चिंतन करते हैं, हम भी लिखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हम भी समझते हैं, हम भी समझाते हैं, किंतु गुरुदेव का ये कहना है, ये समझने की और समझाने की परंपरा आज की नहीं है बंधुओं, बहुत प्राचीन कालीन यह परंपरा है, किंतु समझते समझाते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ। किंतु गुणभद्र स्वामी का ये कहना है कि गुणने वालों की संख्या विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनने वालों की भी संख्या दुर्लभ और गुणने वालों की संख्या तो उससे भी अत्यंत दुर्लभ थे, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वो थियोरेटिकल अलग है, ग्रंथ का आधार लेकर के पढ़ना, कंठस्थ करना, मुखाग्र करना और यथावत उसके व्याख्यान के रूप में विश्व के सामने रखना, ये तो फिर भी सरल है, क्योंकि ज्ञानावरणी का कर्म का क्षोभम बहुत सरलता से हो सकता है। हालांकि ये भी दुर्लभ है, किंतु इसलिए सुलभ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व की भूमिका में भी, प्रथम गुणस्थान में भी कई अंगों का वह ज्ञान रखता है, इसके बावजूद भी सम्यक दर्शन से वो वंचित रहता है, इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम भिन्न है और दर्शन मुनि का जो क्षोभम है, जिसके माध्यम से ज्ञान में समीचीनता आती है, जिसको सम्यक दर्शन बोलते हैं, ये अत्यंत दुर्लभता के कोटि में रखा है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते कि सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिनाम चरण स्पर्श मात्र न विशुद्यति धरातलम। और पूर्व में निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी माध्यम से भी आपको जानकारी मिली है गुरुदेव के विषय में, और पूर्वाचार्यों के विषय में भी काफ़ी आगम के आधार से आपके सामने विषय रखा है, प्रासंगिक रखा है। और पूर्वाचार्यों की श्रृंखला में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आचार्यों की परंपरा वर्तमान में आचार्य गुरुदेव के सामने आप लोग देख रहे हैं। आचार्य गुरुदेव कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और ये सारा का सारा चतुर्विध संघ उनका है, ये ध्यान रखो। किसी ने कहा सज्जन ने कि महाराज
बहुत सारे उपसंग हुए हैं और उसमें आपका उपसंग तो संख्या की अपेक्षा से बहुत अधिकता को लेकर के है, ऐसा उनका कहना था। हमने सुन लिया है और उत्तर ये दिया है, आपने क्वांटिटी की ओर दृष्टि गई है, ठीक है, अपनी जगह है, किंतु यह उपसंग जिसमें संख्या अन्यों की अपेक्षा से अधिक है ये आपकी दृष्टि है, किंतु एक बहुत बड़ी भूल आपकी हो गई है। वो ये है कि यह उपसंग है, ये शाखा उपशाखाएं हैं, किंतु ये सारे जितने भी शाखा और उपशाखा हैं वो किसके हैं? वृक्ष के हैं, ये ध्यान रखो। वृक्ष के बिना न शाखा है, न उपशाखा है, न डाली है, न फूल है, न पत्ते हैं, न फल है, ये सारे के सारे उस वृक्ष के आधार को लेकर के ये ध्यान रखे। इसलिए मेरा उपसंग नहीं, मैं स्वयं संगस्त हूं। तब उनको बात समझ में आ गई है, वो सामने जितने भी भक्तगण होते हैं वे भक्ति करते हैं और भक्ति करने की सबको स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक है, और भक्तगण भगवान की भी भक्ति करते हैं और गुरु की भी भक्ति करते हैं, किंतु ये ध्यान रखो भक्ति मुक्त कंठ से करो, किंतु जिसकी भक्ति की जा रही है उसको अलर्ट लेना पड़ता है, ये ध्यान रखो। आचार्य महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति तो भक्तगण करते हैं किंतु गुरु की परीक्षा उसमें होती है। महाराज इसमें क्या परीक्षा हो रही है? हाँ बिल्कुल परीक्षा है, क्योंकि मुक्त कंठ से गुरु की प्रशंसा भक्त करता है, किंतु उस प्रशंसा के प्रवाह में आकर के यदि मन में उन शब्दों को लेकर के हर्ष का अनुभव करता है तो वह उसका स्तर, उसका विकास रुक जाता है। इसलिए भक्त की प्रशंसा की ओर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक प्रासंगिक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि आचार्य महाराज विहार करते हुए संघ के साथ कहां पर पहुंचे हैं? तेंदुखेड़ा, जो कि पाटन के पास है, तेंदुखेड़ा कोनी जी के पास है, और विहार करके छोटे से ग्राम में पहुंच गए। जनता आचार्य महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित थी और निवेदन किया कि महाराज कम से कम दो शब्द आपसे हम सुनना चाहते हैं। ठीक बात है, सुनाएंगे, सुनने के लिए आप बैठे हैं तो मुझे तो सुनाना ही है। और गुरुदेव ने प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग दिया है, वह ये है कि भक्त गणों के भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा किसी ने कहा था, और आप लोग भी कह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, कि भक्तों की भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा भक्तों के मुख से सुनने में आता है। तो गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात आपने कही है, किंतु भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना खेल नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखो, ऐसा उनके मुख से सुना। आपको आश्चर्य और विस्मय हो सकता है ऐसा क्यों कहा होगा, गुरुदेव का भाव ये है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो सकते, आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते, किंतु किससे प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान की आज्ञा का अनुपालन जब आप हृदय से करते हैं तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं।
इसी प्रकार गुरु भी प्रसन्न होते हैं। और गुरु को प्रसन्न करना चाहो तो ध्यान रखो, गुरु की भक्ति करो, किंतु हृदय से जो भक्ति करता है उससे ही गुरु प्रसन्न हुआ करते हैं। महाराज ये बात क्या बात, हमें संवाद समझ में नहीं आई। भक्ति करना तो ये तो बात हमें समझ में आ रही है, किंतु हृदय का अर्थ क्या, हृदय का अर्थ क्या है? उसे भी भक्ति हो सकती है। और अनंत काल से संसारी प्राणी ने केवल औपचारिक ही भक्ति की है, इसलिए इस धरातल पर अभी भी परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा गुरुदेव का कहना था। और गुरुदेव ने कई बार प्रवचन के दौरान इस पंक्ति को भी दोहराया है, जो आचार्यों ने इस पंक्ति को स्तोत्र में उल्लेखित किया है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ आप करते हो, भक्तामर का पाठ तो व्यापक रूप से सब जगह पाठ चलता रहता है, किंतु कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य क्या कह रहे हैं सुनो। अब ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि उपदेश अलग है, सुनो। इसमें क्या है, ये उपदेश नहीं किंतु सुनो अर्थात गौर करो। हम गौर से सुनते नहीं, सुनते तो हैं, दुकान है तो सुनते हैं, इसलिए दुकानदार हैं आप लोग, दुकान है और सुन लेते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं गौर करो। वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा और भगवान के देशना का श्रवण, ये सब अनंत काल से संसारी प्राणी ने किया है। इसके उपरांत भी यदि कल्याण नहीं हुआ है तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वह प्रश्न चिन्ह क्या है, उस पंक्ति में आपको ध्यान से सुनेंगे, वो उस पंक्ति में क्या भाव दे रहे हैं आचार्य महोदय, सुनिएगा। आकर्णितोपि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विद्रतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य जितने भी क्रियाएं हैं वे कभी भी फलवती नहीं हुआ करती। इसलिए आकर्णित मया, हे भगवान हमने आपको सुना, मया कह रहे हैं त्वया नहीं, हे भगवान मैंने आपकी देशना को इन कानों से श्रवण किया है। आकर्णितोपि महितोपि, हे भगवान हमने आपकी पूजा की है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, हे भगवान आपका दर्शन भी हमने किया है, किंतु नूनं न चेतसि मया विद्रतोसि भक्त्या, हे भगवान मैंने आपको हृदय में नहीं मिटाया है भक्ति के साथ। आपकी भक्ति तो की किंतु उसे भक्ति करने के कारण वह परिभ्रमण जो का त्यों बना हुआ है। हमें परिभ्रमण नहीं करना, हमें यात्रा करनी है। यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। पंच परावर्तन का नाम परिभ्रमण है, और इस पंच परावर्तन से जो ऊपर उठ जाता है उसकी यात्रा होती है, और यात्रा जब होती है मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो जाता है। यात्रा करता करता बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, किंतु हृदय में देव शास्त्र गुरु को विराजमान करके जो यात्रा करता है उसकी यात्रा बहुत ही अल्प काल में पूर्ण हो जाती है और मंजिल में प्रवेश पाता है। इन पंक्तियों को आपने सुना पढ़ा, इन पंक्तियों की रचना करते समय आचार्यों के कितने भाव उत्कृष्टतम होंगे हम और आप आकलन नहीं कर सकते। भक्ति तो हम करते हैं, हृदय से भक्ति नहीं करते।
न जाने कौन कौन से अपेक्षाओं को लेकर के भक्ति करते हैं। गुरुदेव कहते हैं भक्ति करो किंतु हृदय के साथ करो। हृदय से भक्ति जो की जाती है वह वस्तुतः वास्तविक भक्ति मानी जाती है। हाँ, और गुरुदेव ने ये कहा कि देखो यह पंचम काल है, मोक्ष मार्ग अवरुद्ध नहीं है, किंतु जो मोक्ष मार्ग है बहुत लंबा चौड़ा है। लंबा भी है और चौड़ा भी है। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा है। और उन्होंने ये कहा था, उनके मुख से जो शब्द निकले हैं उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि वस्तुतः वर्तमान में मोक्ष मार्ग है तो, किंतु मोक्ष मार्ग किमात्मक है। उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं और भाव लिंग के साथ चल रहे हैं, किंतु भाव लिंग के साथ मोक्ष मार्ग पर चलते हुए भी वह मोक्ष मार्ग, सुनो गौर से सुनो, बातें नहीं करो आपस में, यह मोक्ष मार्ग वर्तमान का नर्सरी है। ये उनके मुख से हमने कई बार सुना, आपने सुना नहीं सुना आपका विषय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग है वह नर्सरी है। इसलिए कहा, इसका आशय हमने पकड़ा अपने बुद्धि के अनुरूप वह ये है, एक मान लो शरीर के ऊपर एक छोटा सा मच्छर भी बैठ जाता है तो उड़ाने के भाव मन में आ सकते हैं। श्रमण के बदन पर शरीर पर एक छोटा सा मच्छर बैठा है और इस पिचिका के माध्यम से उसको उड़ाया नहीं, किंतु उड़ाने का भाव आ सकता है कि ये उड़ जाए। ये भाव यदि आता है तो परिचय विजयी नहीं माना जाता है। बहुत परसेंटेज में उसके लिए अंक मिलते हैं। परिचय विजय प्राप्त करने के लिए आपको चार दीवारों के बाहर आकर के मैदान में बैठना पड़ेगा। और गुरुदेव का ये कहना है कि मान को छोड़ो। क्या कहा? मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा कि मान को छोड़ो और मैदान में आ जाओ। हाँ, बहुत कठिन होता है। इसलिए उनका ये कहना है कि बहुत मोक्ष मार्ग सूक्ष्म है, वहां तक पहुंचने के लिए अपने लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता है, और मात्र शारीरिक श्रम हमें पर्याप्त नहीं, किंतु वह जो आंतरिक साधना है, अंतर्दृष्टि को लेकर के जो साधना की जाती है, वही साधना मंजिल तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध होती है वह साधना। और उस साधना के माध्यम से ही कर्म कट जाते हैं। हमें मात्र शरीर को दग्ध नहीं करना, शरीर को दग्ध नहीं करना, किंतु मोह की अंत्येष्टि करने के लिए साधना की जा रही है। किसकी अंत्येष्टि? मोह की अंत्येष्टि। क्योंकि अनंत बार इस संसारी प्राणी ने जन्म और मरण को किया है, अनंत बार शरीर को धारण किया है और वो मरण को भी प्राप्त किया है। बार बार शरीर मिलता है और वह विलीन हो जाता, नष्ट हो जाता है, किंतु शरीर के आधार से और भावों के माध्यम से पर पदार्थों के साथ संबंध रखने से, वह संयोग के माध्यम से जो पाप का अर्जन होता है उसका क्षय जब तक हम हृदय से साधना, अंतरंग साधना नहीं करेंगे, तब तक वह मोहनी कर्म दग्ध नहीं होने वाला है। इस उपदेश को सुनने के लिए ही जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे उन्होंने इस देशना को, उपदेश को सुन ली है और वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
ये वस्तुतः गुरुदेव की जो दृष्टि है वह पूरे संघ की दृष्टि चतुर्विध संघ की दृष्टि निरंतर गुरुदेव की दृष्टि की ओर हो तो निश्चित रूप से वह हमारा जो आत्मकल्याण करने के लिए इस मार्ग को अपनाया है, इस पथ पर आरूढ़ करने का जो साहस किया है और निरंतर इस पथ पर बढ़ने के लिए निरंतर साधना करने के लिए तत्पर हैं हम और आप, किंतु इस साधना की सार्थकता वस्तुतः हृदयंगम करने से ही संभव है। इसलिए सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिना, सत्य और शील का अवलंबन लेना अनिवार्य है और संसारी प्राणी पता नहीं किन किन अपेक्षाओं को रख करके कदम कदम पर वह असत्य का सहारा लेता है और उसके कारण ही उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सत्यशीलावलंबिनाम, शील का अवलंबन ले लो और सत्य का जिसने अवलंबन लिया है निश्चित रूप से सही माने में वह अहिंसा की उपासना कर रहा है, क्योंकि अहिंसा की उपासना बिना सत्य और शील के संभव नहीं है। शील और सत्य और अन्य जितने भी व्रत हैं वे सारे के सारे अहिंसा के परिकर हैं। अहिंसा केंद्र में हो तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे परिकर की सार्थकता सिद्ध होती है। ज़्यादा हमें नहीं कहना है, योगसार महाराज जी ने और अपने सुधा सागर जी, नियम सागर जी, जितने भी निर्यापक हैं, अभय सागर जी, समता सागर जी, शंभो सागर जी आदि नो, इन सभी ने आचार्य महाराज के भावों को व्यक्त किया है हम और आपके सामने। उसको दर्पण के समान निरंतर दृष्टि उस ओर रखते हुए, क्योंकि ज्ञान रूपी आलोक में ही वो सारे सारे आचार्य महाराज के वो सारे बिंदु और वो सारे सारे आदेता आदेशात्मक जो विषय हैं उनको हम आत्मसात करेंगे और आचार्य महाराज की परंपरा और उस विरासत को निरंतर अपने शक्ति के अनुरूप बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे। मैं शक्ति के अनुरूप इसलिए कह रहा हूँ, कहाँ आचार्य महाराज की शक्ति और हम लोगों की कहाँ शक्ति है। किंतु गुरुदेव कहते हैं घबराओ नहीं, चीटी के चाल से चलो, कोई बाधा नहीं, किंतु मंजिल तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि सिद्ध परमेष्टि की यात्रा हो चुकी है, अब वो कहीं जाएंगे नहीं, लोक के अग्रभाग पर वो विराजमान है, उनकी अब आगे गति नहीं, वह गमन नहीं करेंगे, इसलिए चींटी की चाल से भी चलेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन लोक के अग्रभाग पर आप भी पहुंचेंगे और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टियों के बीच में अपने को भी स्थान मिलेगा। और जिस प्रकार अनंत सुख का संवेदन वे प्रति समय कर रहे हैं और केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जानते हुए भी पर पदार्थों से उनका कोई भी प्रभाव नहीं है, उनका उपयोग किसी भी पर वस्तु से प्रभावित नहीं होता, किंतु निजानंद रसलीन वाली बात है, निरंतर केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व आ रहा है उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में, किंतु जानने का कोई उन्हें विकल्प नहीं, केवल संवेदन होता रहता है। इसलिए सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस्य विहीन कहा है। इसलिए इस प्रकार के आचार्य महाराज की दृष्टि सबकी हृदय में समाहित हो और उसके माध्यम से उनके बताए हुए जो मार्ग है उस मार्ग पर हम अविरल रूप से बढ़ते रहें। हमें मार्ग बनाना नहीं, किंतु मार्ग जो प्रशस्त किया है उसको निरंतर मन वचन काय से
उस पर चलने की आवश्यकता है। और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, आपने जिस प्रकार इस प्रशस्त मार्ग पर पूरी शक्ति के साथ निरंतर बढ़ते गए और विश्व को भी प्रकाश दिया है, हमें प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके दिए हुए प्रकाश में और उनके आशीर्वाद से ऐसी शक्ति प्राप्त हो, ऐसा मनोबल प्राप्त हो जिसके माध्यम से निरंतर सच्चे देवगुरु शास्त्र के आराधना करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय।